ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। खबरों की शुरुआत नगर कोतवाली आके खबर से करते हैं, जहां भीषण सड़क हादसे के बाद लगा भीषण जाम, घंटों रहे लोग परेशान। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत करने के बाद वाहनों को हटवाया, उसके बाद यातायात किया बहाल। बता दें तस्वीरें नगर कोतवाली इलाके के चिलबिला फ्लाईओवर की है, जहां रविवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें कुल 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्रतापगढ़ के जिला मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहीं हादसे की वजह से भीषण जाम लग गया, जिसकी जानकारी होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और JCB लगाकर किसी तरीके से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया गया, जिसके बाद जाम बहाल हुआ। इस दौरान घंटों जाम लगा रहा और लोग परेशान नजर आए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगली बड़ी खबर। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने कई थानाध्यक्षों के कार्यों में किया फेरबदल और स्थानांतरण। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने जनपद में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने हेतु बीती रात कई थानों के निरीक्षकों का फेरबदल और स्थानांतरण किया है। इंस्पेक्टर उदयवीर को बालकिशोर से कुंडा कोतवाल बनाया गया, जबकि इंस्पेक्टर कुंडा प्रदीप कुमार को थानाध्यक्ष अंतु बनाया गया। वहीं इंस्पेक्टर अभिषेक शिरोही को जेठवारा थानाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि इंस्पेक्टर विजयकांत सत्यार्थी को उदयपुर का थानाध्यक्ष बनाया गया। इंस्पेक्टर अजीत शुक्ला को कोहड़ोर की कमान सौंपी गई है, जबकि अर्जुन यादव को अंतु से फतनपुर भेज दिया गया। वहीं फतनपुर के थानाध्यक्ष रवि तिवारी को क्राइम ब्रांच भेजा गया है, जबकि बच्चे लाल को पुलिस लाइन से बालकिशोर इकाई भेजा गया। पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रभावी कार्रवाई की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज जिला के खबर की, जहां मदरसे के मेधावियों को मेडल देकर किया गया सम्मानित। बता दें कि सगरा सुंदरपुर स्थित मदरसा दारुल बनात अल्पसंख्यक बालिका विद्यालय के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिकार खान ने बच्चों का हौसला अफजाई किया। उन्होंने मेधावियों को प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान मेधावियों से आने वाले समय में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया इस्लामिया में एडमिशन लेने की भी सलाह दी। इस दौरान उन्होंने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि आज मान्यता प्राप्त तथा अनुदानित मदरसों के अलावा जो मदरसे बिना मान्यता के संचालित हैं, उन्हें भी सूचीबद्ध करने का कार्य प्रदेश सरकार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि मदरसों के बच्चों को सकारात्मक माहौल देने के लिए मुसलमानों में कोई गलत अवधारणा न फैलाए, इसलिए सरकार की छवि धूमिल करने के लिए कुछ लोग जुटे हुए हैं, जबकि सरकार लगातार मदरसे के बच्चों को भी दीन कुरान के साथ विज्ञान और अंग्रेजी की तालीम हासिल कर उन्हें भी कॉन्वेंट के बच्चों की तरह कौशल प्रदर्शन करने हेतु वैज्ञानिक और उच्च पदों पर शीघ्र पहुँचने के लिए उनका उत्थान करने का कार्य कर रही है। वहीं समारोह में बस्ती मंडल के उपनिदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विजय यादव के अलावा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी डॉक्टर सच्चिदानंद तिवारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रतापगढ़ शहर की खबर की, जहां अग्निवीर भर्ती में शामिल होने जा रहे युवाओं ने बस अड्डे पर किया जमकर हंगामा। बता दें कि अयोध्या में चल रहे अग्निवीर भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं ने रविवार शाम रोडवेज बस अड्डे पर जमकर हंगामा काटा। युवाओं का जोश देखकर परिसर में मौजूद कर्मचारी भागने लगे। सूचना पर पहुंचे ARM ने युवाओं को समझाकर शांत कराया और अतिरिक्त बस बुलाकर उन्हें अयोध्या के लिए रवाना किया। गौरतलब है कि अयोध्या में चल रहे अग्निवीर भर्ती में बेलहा के युवाओं की भर्ती सोमवार से की जाएगी। इसके लिए जिले के तमाम युवाओं की भीड़ रविवार सुबह से ही रोडवेज बस अड्डे पर दिखने लगी थी। दरअसल ट्रेन की सुविधा नहीं होने के कारण जिले भर के युवा रोडवेज बस से ही जाने की तैयारी में रहे। शाम करीब 4 बजे 50 से अधिक युवा अयोध्या जाने के लिए डिपो पर बस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बस के बारे में उन्हें कोई सही जानकारी नहीं दे रहा था। आखिरकार युवाओं का सब्र टूट गया और बस अड्डे पर हंगामा शुरू कर दिए। कुछ कर्मचारियों ने रोकने का प्रयास किया तो युवाओं ने उन्हें ही दौड़ा लिया। इससे डिपो में भगदड़ मच गई। आसपास वाले दुकानदार भी शाम गए। हालांकि सूचना पाते ही ARMP के कटियार पहुंच गए और युवाओं को अतिरिक्त बस से अयोध्या भेजने का आश्वासन देकर उन्हें शांत करा दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे खेल समाचार की, जहां हॉकी प्रतियोगिता में RK राय फाउंडेशन की महिला टीम ने जीत दर्ज की है। बता दें कि शहर के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में ग्रास रूट पर हॉकी प्रमोशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दूसरे दिन RK राय फाउंडेशन की महिला टीम ने बाजी मारी। RK राय फाउंडेशन की महिला टीम का मुकाबला अनवर हॉकी सोसाइटी की टीम से हुआ। इसमें RK राय की टीम ने अनवर हॉकी सोसाइटी को 5-3 से मात दिया। प्रतियोगिता में भीलवाड़ा हॉकी एकेडमी राजस्थान, RK राय हॉकी एकेडमी पटना, पड़ीला हॉकी एकेडमी प्रयागराज और सुल्तानपुर हॉकी एकेडमी की टीमों ने भाग लिया।